आप लोग कैसे हैं? हर महादेव, राधे राधे। आज हम जा रहे हैं बनाने लौकी का कोफ्ता। देख सकते हैं लौकी है, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट लौकी है। अब ये मैं कोफ्ता बनाऊंगी लौकी का। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। अब ये लौकी का अब मैं इसको पीसूंगी, किस के इसको बनाऊंगी कोफ्ता। और क्या हमारी योजना? स्पाइसी बनाना। अच्छा खा लोगे ना मन से? आ गया पूरा। करेली खराब हो रहा था, करेली का भी बनाने सब्जी, तो ये करेली है, करेली की भी सब्जी बनाएंगे। ऐसे फाड़ कर करेली देख लेते हैं, तब कटिंग करते हैं करेली का। ऐसे फाड़ के लिए इसलिए इसमें कीड़ा भी होता है ना, इसीलिए हम इसको फाड़ कर पहले देख लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं, काटते हैं। और सब तैयार कर लिया, चलते हैं किचन में। करेली की सब्जी हो गई, इसको ओपन करके हम बनाते हैं। लहसुन, धनिया और मिर्ची इसमें डाल के अदरक थोड़ा सा डालो। ये पानी निकाल दिया, ये निचोड़ दिया, निचोड़ के ये रख दिया। ये मैंने पटक दी, गुस्सा मेरे को बहुत आती है तो मैंने कल इसको पटक दिया था। देखिए कैसे पिचक गया है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है ना हमको, तो मारते तो नहीं है, बड़े बड़े बच्चे हैं तो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ रहता पटक देते हैं, हाथ में रहता है, तो ये पटक दिया। देखिए इसको निकाल के अलग कर लिया। अब इसको इसमें मिला देंगे। आप लोग ना मेरे कहने से एक बार ऐसे बना के देखिएगा, लहसुन, अदरक, मिर्ची और धनिया, धनिया का डंठल सही। देखिए इसको मसाला में भून के फिर उसके बाद इसमें प्याज डाल के और क्या बोलते हो करिए, देखिए कितनी टेस्टी सब्जी होगा। फिर उसके बाद हमको आप लोग बताइएगा। इसमें थोड़ा सा बेसन, बेसन को चाल लिए। मम्मी क्या बना रही हैं आप? लौकी का कोफ्ता। ये मिर्ची डाल दिए, लौकी के कोफ्ते। हाँ, और बस ये मिर्ची पड़ गई, ये नमक डल गया, ये हल्दी पाउडर डल गया, ये काली मिर्च और जीरा पाउडर डल गया, बस इसको मिला लेना। बस 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 रुक जाओ भगवान के लिए। मेरे तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, तेल गर्म हो गया। ये कढ़ाई में पहला भगवान को, अग्नि माता को बोलो। टमाटर पीस के डालेंगे, पीस के नहीं, पीस के टेस्टी लगता है, पीस के टेस्टी नहीं लगता। ये ज्यादा तेल था तो ज्यादा तेल निकाल दिया, ज्यादा तेल नहीं डालना चाहिए। दो इलायची, ये लौंग, छोटी इलायची, चार पांच और पांच छः लौंग इलायची, दालचीनी, जीरा, तेज पत्ता। हाँ ठीक है सिस्टर, राधे राधे सिस्टर। गाइस आप लोग ऐसे जैसा ये बनाए हैं, मैं कुछ करके आप लोग को दिखाया मैंने, ऐसा आप बनाना फिर हमको बताना। ये जो है ना, ये हमने आपको दिखाया ऐसा बना के, एक बार आप लोग बताइएगा कैसा टेस्ट है, बहुत सुंदर टेस्ट आएगा। आप लोग एक बार ऐसे बनाइए हमारे कहने से सब्जी, प्लीज फिर बताइएगा आप लोग। अब इसको डाल देंगे, और ये प्याज है, इसको ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, इसे जल्दी इसके टेस्ट को ऐसे आता है, इसमें इसमें प्याज डाल देंगे। नहीं नहीं रुको, मसाला डाल दें, मसाले लिए देख लेते हैं, मसाला गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सभी इकट्ठे डाल दिया। इससे क्या होता है ना, टेस्टी लगता है, मिर्ची उर्ची भून भून जाती तो अच्छी लगती है। और ऐसे प्याज डाल देते तो मस्त पानी छोड़ देता, अच्छा नहीं भूनता है। फिर इसमें हम प्याज डालेंगे, देखिए रात को तेज़ कर दें, तेज करने के बाद अब हम इसी में नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। देख सकते हैं कितना अच्छा भून गया मसाला। भूनने के बाद अब इसमें हम प्याज, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, प्याज डाल कर प्याज करिए, अब इसमें भून लेंगे, धीरे आँच करके, ज़्यादा तेज नहीं। अब ऐसे इसको चलाओ तो देख सकते कैसा कितना सुंदर कलर आ गया है, बताइए अच्छा कलर आ गया कि नहीं। अब इसको ढक देंगे धीमे आँच करके, थोड़ा सा भून गया, तेल छोड़ दिया है। अब इसको क्या करें, अब इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में, फिर इसको पका देंगे ना, दो तीन सीटी दे देंगे तो ये क्या होगा, एकदम प्याज का पता ही नहीं चलेगा,
इसमें पानी की जगह देखिए लौकी का है ना, अब इसी में डाल के इसको दो तीन सीटी दे देंगे। लौकी का पानी था, डाल दिए इसी में, देखिए अब इसको दो तीन सीटी दे देंगे। देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिए कि चिपके ना, अब इसको दो तीन सीटी दे देंगे तो दम गल जाएगा। छोटा वाला बेटा प्याज बिल्कुल नहीं खाना पसंद करता है, उसको बिल्कुल गला हुआ चाहिए, तो इसलिए उसको दो तीन सीटी। उसी कढ़ाई में सब्जी निकाल के डालें, उसी में पानी गर्म कर लेते हैं। ये पानी गर्म सब्जी के, इसको ढक दिए, गर्म हो जाए। देख सकते हैं आप लोग, दो तीन सीटी दे दी, देखिए गल गया पूरा प्याज गल गया। अब इसे पानी डाल देंगे, अब इसका कलर देख सकते हैं, प्याज का पते नहीं, दम गल गया है प्याज, देखिए ग्रेवी। अब इसको कुकर में से कढ़ाई में पलट दिए हैं, कलर देखिए कितना तेल, मसाला तेल भी ज़्यादा नहीं डाले हैं, मसाला भी ज़्यादा नहीं डाले हैं, लेकिन देखिए कलर कितना सुंदर कलर आया है। मेरे मोबाइल और फ़ोन का कैमरा सही नहीं है ना, इसीलिए देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसमें भजिया डाल देंगे, देख सकते हैं सब्जी तैयार, देख सकते हैं गार्नियर कर दिए इससे धनिया से, देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। और कलर ग्रेवी देखिए, टेस्टी सब्जी बनी है, अब गल गया है। मम्मी सब्जी रेडी होगी क्या? हाँ बेटा, देखो जाना सबको देने खाने, खाना हो गया, चलो चलो खाना खा लो, ठीक है।